हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने ली शेटिलर प्रिंसिपल कंप्लीट किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी चेक किया और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें क्या था, एक रिएक्शन हो रही थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था और कुछ टाइम के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट की और ये देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। बट क्या होगा अगर एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा रिएक्शंस हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं मोर देन वन इक्विलिब्रियम, मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग डाल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें समझने होंगे। लेट से ये कोई रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इन टू बी प्लस सी और इस रिएक्शन को हम दो कंटेनर्स में कर रहे हैं, यानी एक जैसे दो कंटेनर हमने ली, इसमें मैंने ए के ए मोल्स डाले और इसमें इंस्टेड ऑफ ए सी के सी मोल्स डाल दिए। यहां पर बी नहीं डाला, यहां पर भी बी और सी नहीं डाला, तो कह सकते हो यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कुछ बी है ही नहीं। अगर ए बनेगा तभी बनेगा जब बी भी होगा, राइट? तो यहां तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर ए से बी और सी बनेंगे। मान लेते यहां से एक्स रिएक्ट कर गया, इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स बनेगा। अब हमने क्या किया जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, अब हमने क्या किया, यहां पर C के C मोल्स ऐड किए और यहां पर A के A मोल्स ऐड किए। यानी जब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया तो अब हमने यहां पर C के C मोल्स और डाल दिए। अब यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम आने के बाद C के C मोल्स डाल रहा हूं तो क्या होगा, ये रिएक्शन पीछे जाएगी। मान लेते हैं ये कितनी पीछे गई, y, यहां पर x माइनस वाई और यहां पर a माइनस एक्स प्लस वन और यहां पर C ऐड किया, यहां पर A के A मोल्स डाल दिए। यानी देखा जाए तो ओवरऑल फाइनली हमने यहां पर भी A और C के स्मॉल A और स्मॉल C मोल्स डाले, यहां पर भी A और C के स्मॉल A और स्मॉल C मोल्स डाले। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर A पहले डाला, यहां पर C पहले डाला, ये डिफरेंस है। उनकी सीक्वेंस को हमने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, आप जैसे ही A डालेंगे रिवर्स तो आ नहीं सकती क्योंकि B नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड जाएगी तो A माइनस जेड जेड सी प्लस। क्वेश्चन ये है अब कि दोनों कंटेनर में क्या एक ही कॉन्सेंट्रेशन यहां और यहां, B की कॉन्सेंट्रेशन यहां और यहां, C की कॉन्सेंट्रेशन यहां और यहां सेम होगी या डिफरेंट होगी? क्योंकि दोनों कंटेनर में जो हमने अमाउंट डाला है वो तो सेम ही डाला है, जितना यहां डाला ए के ए मोल्स सी के सी मोल्स, यहां पे भी ए के ए मोल्स सी के सी मोल्स, वो सेम डाला है, तो क्या इसकी यहां और यहां कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, ये हमें देखना है। सोचो क्या लगता है, कह सकता हूं कि सेम होगी, यानी ए माइनस जेड इक्वल्स टू ए माइनस एक्स प्लस वाई या जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, यस सेम होगी। सिंपल सा यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसका भी वही है, इसका भी वही, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वेरिएबल है जेड, यहां पर आप देखो एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई और यहां पर एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस एक्स माइनस वाई। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर क्या है, एक्स माइनस वाई है, यहां पर उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जेड, एक वेरिएबल ही तो, जो यहां से एक्स माइनस वाई की वैल्यू आएगी वो यहां से जेड की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां से एक्स माइनस वाई कैसे कैलकुलेट करोगे आप, के के एक्सप्रेशन से, यहां पर भी के एक्सप्रेशन से, दैट मीन्स जो ये x माइनस वाई है मस्ट बी इक्वल्स टू z। मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर में
आप कौन सा सब्सटेंस पहले डालते हो, कौन सा बाद में डालते हो, इससे इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। आप उसको बदल दो, आपने पहले ए डाला फिर सी डाला, आप उल्टा सोच दो, नहीं पहले सी डाल रहा हूं फिर ए डाल रहा हूं, आंसर तो वही आएगा। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज कैसे करते हैं, यहां पर जैसे तीन तरह के क्वेश्चन में बना सकता हूं। एक क्वेश्चन क्या देगा एग्जामिनर कि पहले ए के एमोस डाले, सुनना लैंग्वेज, केवल लैंग्वेज का गेम, ए के एमोस डाले और सिस्टम इज अलाउड टू कम एट इक्विलिब्रियम, उसे इक्विलिब्रियम तक आने दिया। After achieving equilibrium, यानी अब आप क्या करोगे, equilibrium आ गया तो x के लिए सॉल्व करोगे, हो सकता है quadratic सॉल्व कर लो। After achieving equilibrium, c moles of CR added, find final concentration of each substance at equilibrium, यानी आपको find out तो क्या करना है, final concentration, final concentration, but आपने पहले x सॉल्व किया फिर यहां से y करोगे, दो बार फिर calculation करने पर लैंग्वेज भी लेंदी होगी, क्वेश्चन दो लाइन की बजाय चार का होगा। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आसान लैंग्वेज में ऐसे पुट कर सकता है कि इन अ कंटेनर ए मोल्स ऑफ ए एंड सी मोल्स ऑफ सी आर एडेड, फाइंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बस इतना सा। या ये भी लैंग्वेज डाल सकता है, इन अ कंटेनर सी मोल्स ऑफ सी आर एडेड, C moles of C are added and now A moles of A are added, find final concentration at equilibrium। तो सीक्वेंस आप बदल सकते हो, जिससे आपको लगे आसानी से सॉल्व हो रहा है उस तरह से सोचिए, उस तरह से सोचिए कि इसके मान लो A moles है, इसके दो moles है, इसके पांच moles है, इसके दस moles है, आप उस तरह से सोचिए जिससे आपको आसान लगे सॉल्व करना, पहली चीज तो ठीक है। और यहां पर डेफिनेटली ये x माइनस वाई, क्योंकि इसकी जगह मैं z लिख सकता हूं, एक्सप्रेशन तो सेम आएगा ना। सेकंड पार्ट पर आते हैं इसी का, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि सीक्वेंस आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। ये सब समझने वाली बात है, समझ में आना चाहिए, इसको आप वर्ड्स में लिखना बड़ा अजीब सा होता है, तो मैंने इसीलिए इस एग्जाम्पल को यूज किया। नाउ अब एक और चेंज करते हैं, इसको मैं यहीं पर रोक देता हूं, यानी इस कंटेनर में मैंने केवल ए के ए मोल्स डाले हैं और इस कंटेनर में हमने ए के ए और सी के सी मोल्स डाले हैं। यहां केवल रिएक्टेंट डाला है, यहां रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट के भी कुछ मोल्स बाहर से डाल दिए हमने। डेफिनेटली यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है कितनी अमाउंट एक्स, यहां पर भी ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है कितनी अमाउंट जेड, यहां पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, यहां पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। क्या लगता है कहां पर ए की ज्यादा अमाउंट रिएक्ट कर रही है, कहां पर ए की ज्यादा अमाउंट रिएक्ट कर रही है, यहां या यहां, एक्स इज ग्रेटर देन जेड या जेड इज ग्रेटर देन एक्स, साफ साफ दिख रहा है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जेड, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन जेड, यानी यहां पर ए के ज्यादा मोल्स रिएक्ट कर रहा है, यहां पर ए के कम मोल्स रिएक्ट कर रहा है, जेड इज लेस देन, यानी अगर कंटेनर में ऑलरेडी आपने कुछ प्रोडक्ट्स के मोल्स डाल दिए हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है कंटेनर में, तब रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जितना यहां हो रहा है। यहां प्रोडक्ट्स के मोल्स नहीं है, यहां पर इसका एक्सटेंट ज्यादा होगा, यहां रेंडमली मान लो यहां 50% है तो यहां 50% से कम होगा, यहां 30% है यहां 30% से कम होगा। इसे नाम दिया जाता है, मैं आपको बता दूं, इसे बोला जाता है, ये वर्ड यहां इतना ज्यादा यूज नहीं होता, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जो भी हमने नहीं किया वहां पर ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, इसे बोला जाता है कॉमन आयनिक इफेक्ट, यानी आप यहां पर चाहो तो कंपाउंड इफेक्ट बोल सकते हो, कॉमन कंपाउंड इफेक्ट, कॉमन मॉलिक्यूल इफेक्ट, लेकिन कॉमन कंपाउंड इफेक्ट, कॉमन मॉलिक्यूल इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी कंटेनर में प्रेजेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे मैं कॉमन आयन इफेक्ट मतलब प्रोडक्ट कहीं और से भी हमने कंटेनर में डाले हैं, इससे क्या होगा, अब रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा,
उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा, अल्फा जो है वो कम हो जाएगा, विच इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। यानी अगर मैं ये लैंग्वेज बोलता हूं कि रिएक्शन है, इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इसका मतलब आप समझ जाओ कि बी या सी या तो हमने बाहर से डाले या कहीं और से कंटेनर में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी बी और सी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ए इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसका जो अल्फा होगा वो पहले से कम होगा, विच इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। या कभी कभी ये लैंग्वेज आती है कि अप्लाई कॉमन आयन इफेक्ट या कॉमन आयन इफेक्ट लगा दो, कॉमन आयन इफेक्ट लगा दो, इसका मतलब सिंपली हाँ यहां पर इसके ए मोल, अगर आपने यहां पर सी के सी मोल्स लिख दिए मतलब आपने कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करो, माइनस एट जेड और सी प्लस जेड, सी प्लस जेड। अब आप अगर के का एक्सप्रेशन लिखते हो तो यहां पर जेड सी प्लस जेड और ए माइनस, देखिए सी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन इन कंटेनर, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन इन कंटेनर। जब हम ये लिखते हैं ना ए की बी की कॉन्सेंट्रेशन सी की कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें ये मतलब नहीं कि ये सी कहां से आ रहा है, कंटेनर में जहां कहीं से भी सी आ रहा है वो यहां पर टोटल पुट किया जाएगा। जैसे यहां पर हम क्या पुट करेंगे, सी प्लस जेड, यहां पर जो भी जेड है, और इससे सॉल्व करके हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कहीं पर भी अगर मैं कहता हूं कि एक कंटेनर ऐसा है जिसमें सी के सी मोल्स हैं और ए के ए मोल्स डाले, यहां पर केवल ए के ए मोल्स डाले, बताओ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली यहां पर ज्यादा होगा। जितने ज्यादा सी की वैल्यू बढ़ेगी, सी के मोल्स जितने ज्यादा डालोगे, एक्सटेंट उतना ही कम होता जाएगा, एक्सटेंट उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि जल्दी से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। जल्दी इन द सेंस अल्फा कम होगा उसका, टाइम से नहीं है, अल्फा जो है उसका कम होगा, राइट? कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं इसी पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन तो सेम ही है, इसका के दे रखा 10 की पावर माइनस 5। एक कंटेनर में हमने इसके 0.1, इसकी भी 0.1, लेकिन यहां पर इसके साथ इसकी भी कंसंट्रेशन क्या कर दी, 0.1, ठीक है 0.1। इसमें सी नहीं डाला, इसमें ए भी डाल दिया, सी भी डाल दिया, दोनों कंटेनर में आपको बी की कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगी, क्योंकि बी तो इसी रिएक्शन से ही बन रहा है, यहां पर भी इसी रिएक्शन से, यहां पर भी इसी रिएक्शन से, देखते हैं बी कहां ज्यादा बनेगा। चलिए सॉल्व करके देखते, माइनस एक्स, एक्स और एक्स 10 की पावर माइनस 1, एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस एक्स, आई थिंक एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3। यहां पर ले लेता हूं वाई, वाई 0.1 प्लस वाई 10 की पावर माइनस 1, वाई 0.1 प्लस वाई 0.1 माइनस 1। यहां पर भी के ए बाई सी 10 की पावर माइनस 3 है, यानी नेगलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस वाई को यहां से नेगलेक्ट करोगे 0.1 के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली यहां पर भी होगा, और ये वाई की वैल्यू आपकी कितनी है यहां पर 10 की पावर माइनस 1। यहां ए की कितने अमाउंट रिएक्ट करी 10 की पावर माइनस 3, यहां कितनी रिएक्ट करी 10 की पावर माइनस 5।
यानी यहां पर ए उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी सी प्रेजेंट है, विच इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट, इसी को हम कह रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट. गॉट इट? अब इसी में यहां पर दूसरा केस लेते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर ये मान लेते हैं, दो सॉलिड्स है, कोई पी और क्यू, ये भी सॉलिड. यहां पर इससे बन रहा है ए प्लस बी और यहां से बन रहा है ए प्लस सी. इसके प्रोडक्ट है ए और बी, इसके भी ए और सी. ये गैसेस, ये भी गैस, ये भी गैस. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन लिख देता हूं, इसका के टू लिख देता हूं. यहां पर हम देख रहे हैं दोनों में एक प्रोडक्ट कॉमन है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है. अब यहां पर इमेजिन करो तीन कंटेनर, कंटेनर वन में केवल ये रिएक्शन हो रही है, कंटेनर टू में ये रिएक्शन हो रही है और कंटेनर थ्री एक और जिसमें ये दोनों रिएक्शन हो रही है. ठीक है, आपने इनके कुछ मोल्स डाल दिए, पी मोल्स ले लेता हूं, इसकी क्यू मोल्स ले लेता हूं. अब यहां पर ये ए इसमें कन्वर्ट हो, मान लेते हैं यहां पर इसकी कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो रही है, डब्ल्यू ले लेता हूं, डब्ल्यू डब्ल्यू सॉल्व कर सकते हैं डब्ल्यू के लिए, ये तो सॉलिड है, एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, तो बड़ा आसानी से डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू के वन. सब कंसंट्रेशन मान लो, यहां पर x रिएक्ट कर दिया, x और x, यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, ये अलग कंटेनर में. क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर अलग अलग कंटेनर में जब ये है तो यहां से a के w मोल्स यानी कंसंट्रेशन आ रही है, w एक लीटर का कंटेनर मान लो तो मोल्स और कंसंट्रेशन सेम, तो यहां से a के w मोल्स आ रहे हैं, यहां से a के x मोल्स आ रहे हैं. यहां पर भी कंटेनर की साइज वही है सब जगह, बस कंटेनर अलग अलग है, सबकी साइज सेम है. तो यहां से a के x मोल बन रहे हैं, यहां पर a के w मोल्स बन रहे हैं. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर हमने एक ही कंटेनर में p और q दोनों ही डाल दिए, तो क्या मैं ऐसा कर दूं यहां पर a के w प्लस x मोल्स बनेंगे, यानी इन दोनों का सम कर दिया मैंने, जितने यहां उतने जितने यहां बन रहे हैं उनको ऐड कर दिया, तो क्या उतने मोल्स ए के यहां बनेंगे? आंसर इज नो, नहीं बनेंगे. क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहां पर अब आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि कंटेनर में ए यहां से भी प्रोड्यूस हो रहा है, ए यहां से भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? कॉमन आयन इफेक्ट. जैसे हम बाहर से डालते थे, ए बाहर से डाला तो ये रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड में नहीं आ रही थी, तो ये भी एक तरह से वही केस हो गया कि ए अगर हम यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और सोर्स है ए का, तो भी वो कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा. आप बाहर से डालो या किसी और सोर्स से ए, और सोर्स से ए प्रोड्यूस करो, इफेक्ट तो वही होगा, इफेक्ट तो उतना ही होगा. तो यहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, मतलब ये रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड में नहीं आएगी, ये रिएक्शन भी उतनी फॉरवर्ड में नहीं आएगी, इनका एक्सटेंट कम हो जाएगा. यहां डब्ल्यू और एक्स लेके सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ और वैल्यूज
यहां पर मान लो वाई रिएक्ट कर रहा है, ये वाई बनेगा, ये भी वाई बनेगा। यहां पर ये जेड रिएक्ट कर रहा है, ये भी जेड बनेगा, ये भी जेड बनेगा। लेकिन अब कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में थ्री में ए के मोल्स वाई प्लस जेड है, तो यहां पर भी वाई प्लस जेड लिखो और यहां पर भी वाई प्लस जेड लिखो। क्यों? क्योंकि जब आप k का एक्सप्रेशन लिखोगे, लेट्स से यहां पर k का एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं, यहां y प्लस है इनटू k2 का एक्सप्रेशन, कंटेनर में a की कॉन्सेंट्रेशन, कंटेनर में कहीं से भी आए हो, कहीं से भी आया हो, a की कॉन्सेंट्रेशन राइट नाउ y प्लस है, y प्लस है और इसकी से। अगर आपने मान लो यहां पर बाहर से a के a मोल्स और डाल दिए, तो a प्लस यहां, प्लस a यहां पर भी होगा, प्लस a यहां पर भी होगा, यानी यहां पर फिर a प्लस y प्लस है, a प्लस y प्लस है। कोई बात नहीं, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल y और z। इवन आप कह सकते हो डेफिनेटली यहां पर ये जो w होगा वो y से ज्यादा होगा और ये जो x होगा ये z से ज्यादा, क्योंकि यहां एक्सटेंट कम हो गया, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कॉमन आइन इफेक्ट लगाएंगे। ये थॉट माइंड में आना चाहिए, हाँ आपको पता होना चाहिए कि यार अब ये उतनी फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या ये रिएक्शन मान लो मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट है, अलग से एक कंटेनर में हो रही है, ये अगर 20% फॉरवर्ड में आ रही है तो ये 20% नहीं आएगी, 20% से कम आएगी, ये 40% फॉरवर्ड में आ रही है तो ये 40% से कम आएगी, उनका एक्सटेंट कम होना। यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कभी भी किसी क्वेश्चन को करते हो, जैसे होता है ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, ए मोल्स इसके डाले, अब आपने क्या किया इसके ए मोल्स डाले, फिर मैंने भी आपको बताया था इसके सी मोल्स डाल दी, तो ये एक्स ए माइनस एक्स। अब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, हम माइनस और प्लस बैकवर्ड में जाएगी, ये कहा ठीक है, तो ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले आप रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके आए, फिर वापस बैकवर्ड में जा रहे, नहीं एक्स फॉरवर्ड में आए वाई बैकवर्ड में गए, ये दो तो वेरिएबल क्यों माने, जब आप पता है कि x फॉरवर्ड में जाके y बैकवर्ड में आना, आपको तो x y में इससे मतलब नहीं, आपको ओवरऑल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, तो इसको सीधा सीधा ऐसा सोचो ना कि x फॉरवर्ड में गया y बैकवर्ड में आया, तो यानी नेट फॉरवर्ड में गया कितने आप x माइनस वाई, अब उसे क्या x माइनस वाई बोलेंगे, सीधा सीधा उसे क्या बोल दो, z बोल दो, दो वेरिएबल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फॉरवर्ड जाके फिर बैकवर्ड जा रहे हो तो पहले फॉरवर्ड ही कम जाओ ताकि बैकवर्ड में नहीं आना, बैकवर्ड में ना आना पड़े। उसी तरह से बहुत बार क्या होता है, यहां कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बता दूं, जैसे यहां पर मैंने लिखा ये वाई रिएक्ट कर रहा है, ये जेड रिएक्ट कर रहा है, जब मैं यहां प्लस जेड करता हूं, सुनना अच्छी तरह से, प्लस जेड करता हूं तो बहुत लगता है सर ये प्लस जेड एड किया तो ये पीछे आएगा, पीछे आएगी रिएक्शन, और यहां प्लस वाई करोगे तो ये पीछे आएगी, तो पॉइंट ये है अब पीछे नहीं आएगी है, क्यों नहीं आएगी, इसको यूं समझ लो कि हमने इसको पहले ही फॉरवर्ड में कम लेके गए हैं, फॉरवर्ड में कम गई है ताकि हमें बैकवर्ड में वापस नहीं आना पड़े। यानी यहां पर आप ये भी सोच सकते हो, सोचने का तरीका है मैं बताऊं क्या किस तरह से सोचता है, इस पी को और इस क्यू को ये पता है कि कंटेनर में, ये पी को पता है क्यू है और क्यू को पता है पी है, और इनको ये भी पता है कि ये दोनों एक सब्सटेंस, कॉमन सब्सटेंस ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों को भी ये पता है, कैसे पता है वो छोड़ दो, इनको पता है। तो अब यहां पर पी जो है उसे पता है कि यार कंटेनर में ए कहीं और से भी आ रहा है, तो मुझे उतना फॉरवर्ड में नहीं जाना है जितना नॉर्मली मैं जाता हूं, मुझे उससे कम फॉरवर्ड में जाना है, क्योंकि कुछ मोल्स ए के मैं प्रोड्यूस करूंगा, कुछ क्यू प्रोड्यूस करेगा और हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो ये पहले ही फॉरवर्ड में कम जा रहा है क्योंकि उसे पता है यहां से जेड मोल्स आने, इसलिए अब मैं जब यहां प्लस जेड कर रहा हूं तो पीछे नहीं जा रहा, प्लस जेड करूंगा तो मैं यहां पर पीछे नहीं जाऊंगा, राइट, यहां पर प्लस वाई किया तो पीछे नहीं आएगा,
क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। पहले आप आगे गए फिर पीछे गए, वही वाली बात हो जाएगी, एक्स आए वाई पीछे गए, अरे जेड लिखू ना इसको, ठीक है। दो वेरिएबल और हमेशा ऐसा करोगे तो x माइनस वाई नेट फॉरवर्ड आएगा, x माइनस वाई को आप x माइनस वाई क्यों लिखोगे, सिंपल सा कुछ। इसको मैं ऐसे भी कहता हूं कभी कभी, सोचने का एक और तरीका क्या है, आपने एक कंटेनर में p और q डाले, p और q डाले, अब यहां क्या हो रहा है, कभी कभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने यहां प्लस जेड लिखा, ये पीछे जाएगी, ये पीछे जाएगी तो क्या करूंगा मैं, यहां पर माइनस कुछ और लिखूंगा, माइनस ये वेरिएबल्स तो यहां पर आ गए, लेट्स से एस लिखूंगा, अब जैसे यहां माइनस एस लिखूंगा तो यहां माइनस एस लिखूंगा, अब जैसे यहां माइनस एस लिखा तो आप क्या कहोगे फॉरवर्ड में आएगी, फिर यहां प्लस कुछ करूंगा, फिर यहां प्लस करूंगा तो ये पीछे जाएगी, ये पीछे जाएगी तो ये कम होगा, फिर ये फॉरवर्ड, ये तो चेन चलती जाएगी। ये सही तरीका नहीं है सोचने का, इसको आप या तो ऐसे सोचो, जैसे होता ना जब कहीं कहीं क्राइम होता है, एज पर मूवीज अगर हम देखें तो फिर क्या होता है, सब कुछ क्राइम होने के बाद फिर पुलिस की एंट्री होती है, राइट। अब पुलिस केवल ये देखती क्या हुआ है, कैसे हुआ, छोड़ो क्या हुआ है, सीधा सीधा, यानी यहां पर आपने कंटेनर में पी डाला क्यू डाला, डेफिनेटली पी से कुछ ए और बी बना होगा, क्यू से भी ए और सी बना होगा, मान लो यहां से y बना यहां से z बना, तो कंटेनर में a के मोल्स टोटल कितने होंगे, y प्लस z लिखे होना था जो सब हो गया, अब कुछ रिएक्शन नहीं हो रही, हो गया सब कुछ, अब तो इक्विलिब्रियम आ चुका है यहां पर, ठीक है यहां से y बना यहां से z बना हमने लिख दिया, यहां पर भी y प्लस z लिख दिया, यहां पर ये y बना होगा यहां पर z बना होगा, सॉल्व कर दिया। एनीवे आगे पीछे वाला सीन नहीं सोचना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते, इसी का डेटा देता हूं, ज्यादा इनमें वेरिएशन नहीं होता है क्वेश्चंस में, क्योंकि फिर इन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन यहां नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पर ए बी सी सबके प्रेशर निकालने आपको, ऐसे ही कर लेते हैं थोड़े वेरिएबल, चलो W ले लेता हूं, ये W, ये सॉलिड है लिखने की जरूरत नहीं, ये भी सॉलिड है, ये X एक ही कंटेनर में, ये अलग अलग नहीं है, एक ही कंटेनर में दोनों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा W प्लस X, ये W, इक्वेशन क्या बनेगी W प्लस X इंटू W 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 W प्लस X इंटू X 16 into 10 की पावर माइनस 6
राधर देन डिवाइड ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने पर ये डब्ल्यू प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6, स्क्वायर रूट ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सॉरी एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस एक्स, और डब्ल्यू प्लस एक्स की यानी ये तो किसकी कौन किसका प्रेशर आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब आपको किसका चाहिए, अगर डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या जाएगा 9/5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और यही अगर इंडिविजुअली हो रहे होते, इंडिविजुअली हो रहे होते तो डायरेक्ट यहां पर फिर क्या आता है इसका, ये भी W, ये भी W, तो W स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जो कि इससे ज्यादा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जो कि इससे ज्यादा होता, जो कि इससे ज्यादा होता। अगर इंडिविजुअली आप डालोगे तो कुछ नहीं करना, यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहां 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जो कि डेफिनेटली इससे ज्यादा। इसी में और चेंजेस क्या होते हैं, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर एक रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बन रहा है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये फर्दर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये बना और ये फर्दर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये दो रिएक्शन यहां पर हो रही, इसका इक्विलिब्रियम K1 इसका K2। अब पहले तो ये बताओ, फिर से एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक कंटेनर में मान लीजिए किसी तरह से हमने इस सेकंड रिएक्शन को नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, रोक लिया, यही रिएक्शन हो रही, और एक में ये सेकंड रिएक्शन भी हो रही, तो कहां पर एक ही अमाउंट ज्यादा रिएक्ट करेगी, कहां पर एक ही अमाउंट ज्यादा रिएक्ट करेगी, यहां पर, क्यों, यहां पर ये ए से इंटरमीडिएट आई मतलब इंटरमीडिएट बना क्योंकि यहां कंज्यूम हो रहा है, और ये बनने के बाद फिर कंज्यूम हो रहा है, यानी एक तरह से आप यहां से इन प्रोडक्ट्स को हटा रहे हो, ऐड नहीं कर रहे हटा रहे हैं, तो ये रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड में आएगी, यानी यहां अल्फा ज्यादा होगा ए का, यहां ए का अल्फा कम होगा, ये रिएक्शन यहां पर ज्यादा फॉरवर्ड में आएगी, यहां पर कम फॉरवर्ड में आएगी। लेकिन अब यहां पर भी सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए को अब ये पता है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो फर्दर रिएक्ट करेगा, तो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट बनाना होगा, मुझे पहले से ज्यादा रिएक्ट करना होगा, तो फिर से ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स, अब इसमें से ये रिएक्ट कर जाए माइनस वाई किया, लेकिन अब ये और फॉरवर्ड में नहीं आएगी, एक बार जितनी फॉरवर्ड में लानी है, ऐसा नहीं कि पहले एक्स आई फिर जेड और आई फिर डब्ल्यू और आई, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड को अलग अलग थोड़ी लिखे, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को कुछ और लिख दो, तो ये पहले से ही ज्यादा बना ताकि इसमें से कुछ रिएक्ट भी कर जाए, तो इसे कुछ रिएक्ट करने पर इसको और फॉरवर्ड में नहीं आना पड़े, तो यहां पर ये x माइनस वन कितना है, x में से कितना रिएक्ट कर गया y, तो c कितना बनेगा y, दो इक्वेशन दो वैल्यू, हाँ इनको सॉल्व करने मुश्किल होती है, इक्वेशन बनाना आसान होता है, यहां पर इनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, इस चैप्टर में इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट इससे रिलेटेड जो चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम उसमें मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, यहां पर एक से ज्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो यहां पर ठीक है फिर से सॉल्व कर सकते हैं, के वन पता होगा के टू पता होगा दो इक्वेशन दो, इवन आप ये भी कह सकते हो मान लो सर यहां पर बी और बन जाए, तो ये सिक्वेंशियल भी हो गया साइमल्टेनियस भी हो गया, अब बी बन जाए तो कोई बात नहीं, यहां पर भी वाई और बनेगा, एक्स पहले बन चुका था वाई और बना, तो यहां पर भी एक्स प्लस वाई, अभी इस पर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि वो डेटा में कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी करने पड़ते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे इस पर, या शीट में एक दो क्वेश्चंस गिवन है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे इसका यूज मैं आपको बताऊंगा यहां आगे आएगा,
H2CO3 ये आयनाइज होता है ऐसे स्टेप बाय स्टेप HCO3- और ये जो HCO3- है ये फर्दर क्या देता है H+ CO3 2-, यानी यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है जो कि वापस CO3 2- देगा, और ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट पूरा रिएक्ट कर रहा है, बचा हुआ ये नहीं जीरो हो जाएगा H-5 H+ यहां से भी आ रहे हैं H+ यहां से भी आ रहे हैं, मान लो इसकी C है यहां से H रिएक्ट किया ये X बना ये भी X बना, इसमें से Y फर्दर रिएक्ट कर गया तो ये X-Y, यहां पर Y और बना ये भी Y बना, लेकिन यहां टोटल X+1। इसका K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका K2 दे रखा होगा K1+2, सॉल्व कैसे होगा वो बाद में सोचेंगे, इतना आसान नहीं है इनको सॉल्व करना, दिखने में तो दिखता है कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल है बट सॉल्व करना उतना ही मुश्किल होगा क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी है, ये थोड़ी कि क्यूबिकल एक्स की क्यूबिकल इक्वेशन ऐसा सॉल्व हो जाएगी, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, अगर क्यूबिकल है कैसे सॉल्व करोगे, X^4 की इक्वेशन आ गई कैसे सॉल्व करोगे, तो वो यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, अगेन ये बेसिकली जो अभी आज हमने डिस्कस किया है अभी वो मैथ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि हाँ इससे ज्यादा अगर यानी एक से ज्यादा रिएक्शंस अगर इन्वॉल्व है तो थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं अब आपको बता दूं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था पी और क्यू का, वो क्या करते हैं इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं और ए के मोल्स को यहां से आए ऐड कर दो, जो कि सही नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं है। हाँ अगर इनमें कोई भी प्रोडक्ट कॉमन नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट कॉमन नहीं है तो आप इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही है इंडिपेंडेंटली हो, लेकिन दोनों में से कोई दोनों रिएक्शन में से कोई भी प्रोडक्ट अगर कॉमन हुआ तो फिर आप इनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, होमवर्क करिए अच्छा सा, क्योंकि होमवर्क जितना करोगे क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा आएगी, तो आज हम इतना ही करते हैं, जो भी होमवर्क है थोड़ा फ्लो वापस आना चाहिए, दिवाली का ब्रेक था, होपफुली आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, कोई भी रिस्क ना लें, बाहर जाने की बहुत ज्यादा अवॉइड करें, मास्क यूज करें। Thank you.